दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम, जो स्मार्टफोन चिप के लिए जानी जाती है, उसने नई फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 को बाजार में उतार दिया है। कंपनी ने अपनी वार्षिक टेक समिट में इसकी घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि कौन कौन सी स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन में इस चिप का इस्तेमाल करेंगी। कंपनी ने अपनी वार्षिक टेक समिट में नई चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के बारे में बताते हुए कहा कि नई चिपसेट 5G कनेक्टिविटी, फोटोग्राफी, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का नया अनुभव कराएगी। क्वालकॉम की तरफ से नई चिपसेट की घोषणा होते ही शाओमी, ओप्पो और OnePlus जैसी कई स्मार्टफोन कंपनियों ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनके आने वाले फ्लैगशिप फोन में नई चिपसेट आएगी। Xiaomi 12 सीरीज, Realme GT 2 Pro और OnePlus 10 जैसे नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नई चिपसेट का इस्तेमाल होगा। इन कंपनियों के अलावा Motorola, Vivo, Redmi, Nubia, IQOO जैसी कंपनियां जिनकी भारतीय बाजार में हिस्सेदारी है, वो भी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में इस चिपसेट का इस्तेमाल करने वाली हैं। हालांकि किस फोन में करेंगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अब आपको बताएंगे कि कैसी होगी चिपसेट। बात करें नई चिपसेट की, तो ये कंपनी के सबसे उन्नत यानी 5G प्लेटफॉर्म पर बेस होगी। ये 10 Gbps तक स्पीड को सपोर्ट करेगी। Wi-Fi 6 और 6E भी नई चिपसेट के साथ इनेबल होगा, जिसे 3.6 Gbps तक की मैक्सिमम स्पीड आपको मिल सकेगी। गेम खेलने वालों के लिए नई चिपसेट में डेस्कटॉप जैसे फीचर मिलेंगे। साथ में पुरानी चिपसेट के मुकाबले 25% ज्यादा स्पीड भी मिलेगी। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट के साथ आप 8K HDR वीडियो कैप्चर कर पाएंगे, साथ ही फोटोग्राफी भी इम्प्रूव होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। कहने का मतलब ये है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इस पर ध्यान देते हुए कंपनी ने पुरानी चिप के मुकाबले नई चिपसेट को 4 गुना तेज किया है। स्मार्टफोन में इसके इस्तेमाल से AI से जुड़े कई नए ऐप दिखाई देंगे, विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए। आपको लग रहा होगा कि सारी कंपनियों के नाम तो गिना दिए, लेकिन सैमसंग कहाँ रह गया? तो जान लीजिए कि दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी अपनी खुद चिपसेट बनाती है एक्सिनॉस के नाम से, जो आमतौर पर कंपनी के भारतीय स्मार्टफोन में लगी होती है। स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल कंपनी अमेरिका और चीन जैसे देशों में करती है, इसलिए क्वालकॉम की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?